स्वागत है जी आपके अपने YouTube चैनल भद्रवाह वाला पे। 2 नवंबर और आज हम जा रहे हैं रवि की बाइक को सर्विस करवाने। एक्चुअली वो 2-3 महीने से बंद पड़ी थी, उसकी टाइमिंग चेंज जो होती है वो ख़राब थी। तो अभी हम उसको रस्सियों से बांध के ले जाएंगे और उसको दिखाएंगे मैकेनिक को। ये देखिए बाइक टो चेन करके ला रहे हैं, बाइक की हालत ख़राब हो गई है। अभी देखिए कहाँ तक चलती है गाड़ी। ये जी इसको टोचन करके लाए थे, अभी चेक कर रहे हैं क्या हिसाब से। ये आवाज़ कर रहा, कुछ लगता है चेन इसकी टूटी इंजन की कोई। क्या लगता है भैया क्या हुआ होगा? बॉडी खुलने के बाद बाइक ऐसी दिखती है, ये R15 खाली इसमें बॉडी बॉडी लगा के रखी हुई है। अभी कूलर निकाला हुआ है, क्या पड़ेगा 250 का कूलर पड़ेगा। हाँ क्या बोलता नहीं तो क्या। गाइस अभी हम आए हुए हैं यामा के सर्विस सेंटर में, जो पहले रिहाड़ी में था और अभी यह शिफ्ट हो चुका, कुछ काम लगा शायद शिफ्ट हो चुका अभी रिहाड़ी लोनी में। तो अभी यहाँ पे बाइक खोली हुई है, कह रहे हैं टाइम लगेगा, पता नहीं क्या सीन है इनका, देखते हैं फिर काम होता है कैसा होता है। अपने छोटा राइडर भी तैयार कर दिया है, ये हमारा छोटा राइडर। तो अभी हमें आना पड़ा यहाँ पे नरवाल कसुम नगर में, क्योंकि उनके पास टाइमिंग चेंज नहीं थी। तो अभी हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के पास आए हैं, इनके पास टाइमिंग चेंज और सभी स्पेयर पार्ट अवेलेबल रहते हैं। लो जी आज दूसरा दिन है और हम जा रहे हैं नरवाल, जहाँ की यामा के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं। इस बंदे की गलती से अभी 5,000 का फड़का पड़ेगा इसको, इसकी टाइमिंग चेन खराब थी और इस बंदे ने टाइमिंग चेन। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह इसको ठीक नहीं करवाया और उसकी वजह से इसके इंजन के जो वाल्व होते हैं वो खराब हो चुके। अभी हम जाएंगे, अब 2,500-3,000 के तो कहेंगे कम से कम। पूरा इंजन खोल के बाहर कर दिया है, अब इसमें देखते हैं क्या क्या कमियां निकलती हैं। ये है जी हमारा नया मेहमान, ये जो अभी आपने छोटा पैरट देखा, एक्चुअली में ये हमारे छत पे उड़ के आया हुआ था और उसके बाद ये अचानक से उड़ गया और इसके पीछे कौवा लगा, 2-3 चक्कर लगाए कौवे ने इसके पीछे और फिर ये जाके किसी चारद्वारी में वहाँ पे आके बैठ गया। फिर मैंने इसको पकड़ के लाया और फिर इसको यहाँ पे अपने घर पे रखा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लास्ट में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ लास्ट में एक और चीज़, वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है, और ये भी बताएं कि भाई इसमें हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वीडियो में।